हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके पुराने फ़ोन्स का सबसे अच्छा रेट कहां पर मिलेगा। जी हाँ, अगर आप अपना पुराना फ़ोन बेचना चाहते हैं, नया फ़ोन खरीदना चाहते हैं, या फिर अपना पुराना फ़ोन बेचकर अच्छे पैसे लेना चाहते हैं, या फिर आप अभी अपने दोस्तों को फ़ोन बेच रहे हैं, आपको नहीं पता आपका फ़ोन कितने ज़्यादा रुपये तक जा सकता है, तो आप अपने फ़ोन की एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं और चाहें तो वहाँ पर बेच भी सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको चार ऐसे स्टोर पर आपके फ़ोन के प्राइस के बारे में बताऊँगा कि कहां पर आपको सबसे ज्यादा प्राइस मिलेगा। जबकि मैंने 17,000 रुपए का फोन 2 साल पहले लिया था और अभी 2 साल बाद सैमसंग का M31 है, जिससे मैंने कई सारे वीडियोस बना दिए, करीब 100 से ज्यादा वीडियोस बना दिए, उसको मैंने 15,000 रुपए में बेच भी दिया, जबकि वो फोन बार बार स्विच ऑफ हो रहा था। वो मैंने कैसे किया, ये पूरी डिटेल आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं और आपके पुराने और कबाड़ वाले फोन का एक बेस्ट प्राइस भी दिलाने वाला हूं। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ, मेरे पास अगर कोई पुराना स्मार्टफोन है और मेरा मन कर रहा है एक नए स्मार्टफोन को लेने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी ब्रांड का आपके पास फ़ोन है आप चाहते हैं उसी ब्रांड में दोबारा से स्विच करें उसके बेस्ट परफॉर्मेंस फ़ोन में। जैसे कि मेरे पास है ये रेडमी का Note 10s, और ये रेडमी का Note 10s अगर मैं बेचना चाहूँ और मैं चाह रहा हूँ कि रेडमी का कोई एक फ़ोन मैं ले लूँ, तो सबसे पहले बात करें जिसे आप एक्सचेंज ऑफर इसे कहते हैं, यानी आपने रेडमी का Note 12 5G जो भी लेटेस्ट फ़ोन है कंपनी का, 17,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है, 4GB 128GB के वाले वेरिएंट की, तो 17,000 रुपये का वो फ़ोन है। वहाँ पर हम इस फ़ोन को एक्सचेंज देना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये फ़ोन अपना बेच दें और वो नया ले लें, तो कहाँ पर हमको सबसे अच्छे रेट मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास 4 स्टोर हैं, जहाँ कैसीफाई जहाँ पर मैंने विजिट किया है अपने फ़ोन के लिए और 2-3 फ़ोन को एक्सचेंज करने का ट्राई भी किया, जिसमें एक मैंने एक्सचेंज भी किया है। तो मैंने विजिट किया था कैसीफाई, फ्लिपकार्ट पर आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बाकी अमेजोन एक्सचेंज ऑफर, साथ में ऑफलाइन स्टोर्स, या ऑफलाइन स्टोर की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन स्टोर पर काफ़ी अच्छे प्राइस में फ़ोन चले जाते हैं। जैसे आपको कहीं कंपनी का कोई स्टोर मिल जाए या फिर कोई भी आपको शॉपकीपर वाला स्टोर मिल जाए, वहाँ पर आपके अच्छे रेट भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसीफाई के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देखेंगे जो कि अभी हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है प्राइस वगैरह। रेडमी का Note 10s केवल यानी हमें देना है, उनसे कोई फ़ोन नहीं लेना है कैसीफाई से। जी हाँ, तो ये फ़ोन मेरा ले रहे हैं 7,050 रुपये में, ये केवल हमारा फ़ोन ले रहे हैं, इनका मैक्सिमम एंड हाईएस्ट प्राइस है, बिकॉज मोस्ट पीपल जो है इन्हें 5,500 से लेकर 6,500 रुपये तक का बेच देते हैं, ऐसा यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। बट कोई बात नहीं, हम चलते हैं फ्लिपकार्ट के एक्सचेंज रेट पर। जी हाँ, फ्लिपकार्ट के एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है जहाँ पर अपने फ़ोन से एक्सचेंज करना चाहते हैं उन्हें उस फ़ोन को। तो यहाँ पर जो हमारा रेडमी का Note 10s का प्राइस दिखा रहा है, वो दिखा रहा है यहाँ पर 7,100 रुपये, यानी 7,100 रुपये, वहाँ पर दिखा रहा था 7,050 रुपये, यहाँ पर 50 रुपये ज़्यादा है। बट यहीं पर क्या ऑफ़र है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं रेडमी का कोई फ़ोन लेना या उस पर स्विच करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिसे आप एडिशनल डिस्काउंट कह सकते हैं, यानी ये फ़ोन आपका 9,100 रुपये में चला जाएगा। चलिए हम चलते हैं अब अमेज़ॉन पर। अमेज़ॉन पर जब हमने रेडमी का वही Note 12 5G फ़ोन लिया 17,000 रुपये का, और फिर हमने एक्सचेंज पर अपना रेडमी का Note 10s को लगाया, तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आया 6,150 रुपये वैल्यू निकल के आई है ओल्ड फ़ोन की। तो यहाँ पर ना मैंने इन तीनों स्टोर को मिलाकर जो एक चीज़ नोटिस की है अभी तक, कि हमारा फ़ोन जो है लगभग फ्लिपकार्ट या फिर कैसीफाई या फिर ऑफलाइन स्टोर ज़्यादा प्राइस दे देता है कंपेयर करते हैं अगर अमेज़ॉन पर। अमेज़ॉन पर कुछ ही फ़ोन हैं जिनके कभी कभी प्राइस ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन हमेशा आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो अभी ना हमने रेडमी Note 10s की प्राइस अब चेक की अमेज़ॉन पर, तो 6,150 रुपये निकला है, जो कि 1,000 रुपये कम है और बोनस भी नहीं है, आपको यहाँ पर बोनस नहीं मिलने वाला है। अगर आप फ्लिपकार्ट पर वही रेडमी का Note 12 5G चेक करते हैं, तो आपको वहाँ पर 2,000 रुपये का एडिशनल बोनस मिलेगा, बिकॉज अब रेडमी के पहले से ही कस्टमर हैं, तो वो अपने नए फ़ोन पर आपको 2,000 रुपये की छूट देंगे। तो ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है हमारे लिए यहाँ पर। अब आपको बताते हैं ऑफलाइन स्टोर में। देखिए, रिलायंस के स्टोर मार्केट में अब हो गए हैं बड़े बड़े शहरों में, अगर हम बात करते हैं रिलायंस के स्टोर हो गए हैं, और भी बहुत सारे स्टोर हैं। अगर आप कानपुर में रहते हैं तो आप Z Square में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर हमने कई स्टोर पर प्राइस को चेक किया था। तो वहाँ पर हमने फ़ोन लिया था सैमसंग का Galaxy S23 Ultra, जहाँ पर जो हमारा फ़ोन का प्राइसिंग था M31s का, वो करीब 5,000 रुपये निकल के आया, और गैलेक्सी का S23 Ultra फ़ोन वहाँ पर परचेस करना था, भैया थे उनके लिए। तो वहाँ पर जब मैंने अपने फ़ोन का प्राइस दिखाया, तो 5,000 रुपये वहाँ पर भी फ़ोन का प्राइस निकला, ऑनलाइन प्राइस निकला 4,500 रुपये।
स्टोर पर क्या होता है, ऑफलाइन स्टोर पर आप जाएंगे तो कैशिफाई का और स्टोर का दोनों का एक मिलकर आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ा बोनस डिस्काउंट से कहते हैं। तो वहाँ पर मुझे 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, तो मेरा जो फ़ोन था 15,000 रुपये चला गया। उसके बाद मेरे पास HDFC का कार्ड था तो 17,000 रुपये उस पर डिस्काउंट मुझे मिल गया था। इस तरीके से फ़ोन था करीब 95,000-97,000 रुपये के आसपास पड़ा था, जाकर 1,25,000 वाला। तो मैंने अपने 15,000 वाले फ़ोन के 12,000 रुपये लेकर बाकी का डिस्काउंट भैया को दे दिया, क्योंकि मेरा फ़ोन तो 5,000 वाला था, 12,000 का गया क्यों, क्योंकि उन्होंने एक बेस्ट फ़ोन लिया और उनको भी डिस्काउंट मिल गया क्योंकि मैं अपना पुराना फ़ोन दे रहा था M30, तो दोनों लोगों का वहाँ पर फ़ायदा हुआ। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ऑफलाइन स्टोर पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर अपना फ़ोन एक्सचेंज करते हैं या फिर बोनस करते हैं। अगर अपना फ़ोन केवल बेचना चाहते हैं तो आप कैशिफाई पर जाकर बेच सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा कि आपने फ़ोन को तभी बेचें जब आप एक नया फ़ोन ले रहे हो, क्योंकि तब उस टाइम आपको बोनस भी मिलेगा और काफ़ी अच्छी प्राइसिंग भी देखने को मिलेगी। तो अभी तक जो मैंने एक्सपेक्ट किया है, यहाँ Amazon पर हमको बेस्ट रेट नहीं मिल पाएगा, हमको बेस्ट रेट Flipkart कैशिफाई यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी एक बार आप बेचने से पहले सभी स्टोर पर ज़रूर चेकआउट करें, बाकी बहुत सारे ऐसे और भी स्टोर है जहाँ पर आपके प्राइस अच्छे मिल जाएंगे, जैसे कि टू गुड एक ऑप्शन था, बट वहाँ पर मैं बिलीव बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि Flipkart वाला मुझे सिस्टम एक बहुत ही अच्छा लगा। वन एंड टू फ़ोन दीजिए, वन एंड टू फ़ोन लीजिए, वो आपको बहुत बेटर है। उसके बाद क्या होता है फ़ोन का वो समझें वो जाने, आपको कोई मतलब नहीं रहता है। तो इन जगह पर आपको बेस्ट डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। मेरा आपसे यही ओपिनियन रहेगा कि अगर आप चाहते हैं एक बेस्ट फ़ोन लेना तो अपना फ़ोन को ज़रूर एक्सचेंज करें, जिससे आपको काफ़ी अच्छा ऑफर मिल जाए। आई थिंक आज इस वीडियो में आपको ऐसे 4 स्टोर के बारे में बताया, आपको उस नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए एंड करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।